यूपी में सहारनपुर और फिर मथुरा हत्याकांड के बाद माहौल गरमाया हुआ है। सड़क से लेकर विधानसभा तक योगी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के वादे के साथ योगी सत्ता में आए थे, अब वो तमाम दावे खोखले नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब योगी सरकार सवालों के घेरे में है। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आप देखेंगे कि दो महीने के अंदर हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की आम जनमानस को लगने लग जाएगा कि सरकार कैसे चलती है और कैसे चलनी चाहिए। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में जब विधानसभा के चुनाव प्रचार चल रहे थे, तो बीजेपी यूपी को बेहतर कानून व्यवस्था देने का दावा कर रही थी। कई मौकों पर योगी ने खुद प्रदेश के लोगों को अपराध मुक्त प्रदेश देने का वादा किया था। शायद सूबे के लोगों ने बीजेपी की इसी बात पर पार्टी को बंपर बहुमत देकर सत्ता तक पहुंचाया था, लेकिन वो वादे अब खोखले नजर आ रहे हैं। इसके लिए शासन प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जाएगा। भोजन, आवास, सड़क, पेयजल, शौचालय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए सरकार निरंतर पूरी सजग तरीके से कार्य करेगी। जिस कानून व्यवस्था को सही करने के नारे के साथ बीजेपी सत्ता की कुर्सी तक पहुंची थी, आज वो ही नारा कमजोर नजर आ रहा है। प्रदेश में घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बढ़ती वारदातों ने यह साबित कर दिया है कि सूबे में बिगड़ी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना आसान नहीं है। राजनीतिक कारणों से भले आप यहां स्वीकार न करें, लेकिन आपके परिवार के लोग महसूस करते हैं कि प्रदेश में अच्छा माहौल पैदा हुआ है और अपराध में कमी आई है, काफी कमी आई है। आप अगर इसके स्पेसिफिक को चाहेंगे तो हम वर्ष 2016 में 19 मार्च से लेकर के और 19 अप्रैल तक या 19 मई तक की घटनाओं में और इस वर्ष की घटनाओं के क्या ब्यौरे हैं आपके पास व्यक्तिगत रूप से भी। लेकिन अब जब यूपी में सहारनपुर से लेकर मथुरा तक चिंगारी भड़की है, प्रदेश में खूनी संग्राम चल रहा है, तो योगी कानून व्यवस्था को सही करने के लिए एक साल का समय लेने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में योगी के वो वादे कहीं नजर नहीं आ रहे जिसमें योगी प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की बात करते थे। सरकार को अगर लोगों के भरोसे पर खरा उतरना है तो कुछ बड़े कदम उठाने की सख्त जरूरत है, ताकि प्रदेश अपराध मुक्त हो सके।